एक्चुअली मुझे महिला कल्याण विभाग की तरफ से सीडीओ का चार्ज मिला है, तो मुझे बहुत ही प्रोत्साहन मिला है, बिकॉज हर एक बच्चे का सब एक तरीके से एम, हर बच्चे का एम होता है इस पोजीशन को पाना और लोगों की सेवा के लिए, इसलिए मुझे बहुत ही एक्साइटेड और बहुत ही अच्छा लग रहा है। आज काफ़ी सारी चीज़ें जानने को मिली, बहुत सारी चीज़ें जो मुझे नहीं पता थी वो मुझे बताया सर ने, और मैं बहुत खुश हूँ। बहुत अच्छा, आज आप एक दिन के लिए स्टूडियो बनी, क्या कुछ कार्यवाहियाँ की हैं, क्या प्रेरणा मिली है आपको, आगे क्या बनना चाहती है, क्या करना चाहती है? मैं आगे चल के IAS ही बनना चाहूँगी, और आज दो लोग आए थे जो एक आवाज़ के लिए, जिन्होंने मिशन शक्ति के अंतर्गत महिला कल्याण विभाग के द्वारा कक्षा 12 की जो टॉपर हैं हमारी अंशिका यादव और कक्षा 10 की जो दर्शिता गौतम हैं, इनको यहाँ पर बुलाया गया। और मुख्य विकास अधिकारी कार्यालय संबंधित कितने विभाग होते हैं, क्या कार्यवाही ये कर सकती हैं, किस तरीके से ये डायरेक्टली जनता को बेनिफिट दे सकती हैं, इसके बारे में एक इन्हें ओवरऑल आइडिया देने का प्रयास हमारा रहा है। साथ ही मैंने इनको ब्रीफिंग दी कि जो भी आप अधिकारियों को देखते हैं बाहर से एक सामान्य नागरिक के रूप में, तो आपको देखकर ये नहीं समझना है कि कहीं और से आते हैं या आप ही के समाज के हिस्से हैं। मैं भी 10th में था, 12th में था, तो अधिकारियों को देख के घबराता था। आज मैं इस कुर्सी पे हूँ तो मैंने इनको बार बार यही कहा है कि इस कुर्सी को हथियाना है और इसके लिए जो भी मेहनत करनी पड़े वो पढ़ाई में आपको करनी है।